नमस्कार, मैं रणविजय कुमार, आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। आज मैं पुनपुन प्रखंड के डुमरी पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ का पंचायत समिति प्रत्याशी डौली कुमारी के यहाँ आए हुए हैं। चलते हैं उनसे पूछते हैं कि उनकी राजनीतिक में आने की क्या मकसद है। चलिए उनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या हुआ मैडम? नमस्ते, मेरा नाम डौली कुमारी है। क्या आप अभी क्या करते थे? मैं अभी एक गृहिणी हूँ, पर कभी कभी सामाजिक कार्यों को भी कर लेती हूँ, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का भी मैंने फॉर्म बहुत लोगों को भरा है। जी जी जी। राशन में बहुत सारी समस्याएं आती थी, उनका भी निदान किया है। इसमें मेरे हस्बैंड का भी फुल सपोर्ट है, सहयोग है। हम जो फॉर्म भरते थे वो मेरे हस्बैंड ब्लॉक में जाके पहुँचाते हैं, यही सब हम काम कर रहे हैं। ये बताइए मैम कि अभी तक आपने ये क्या बोलता है, अभी कितने को राशन के, राशन से भी समस्या का आप हल किए हैं कि नहीं किए? हाँ, हम राशन के समस्या को भी हल किए हैं। हाँ, जिनका राशन कार्ड था आधार कार्ड से जुड़वाए हैं। अच्छा, ये बताइए मैम कि आपका राजनीतिक में आने का आपका क्या मकसद है, उसका मुद्दा क्या है कि आप क्या सोच के मैम कि राजनीतिक में आ पाए हैं? मेरे राजनीतिक में आने का मुख्य कारण मकसद यही है कि हमारे पंचायत के लोगों को बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। मैंने लोगों के बीच रहकर देखा है कि उन्हें वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन नहीं मिलता था। यही सब समस्याओं को देखकर हम राजनीतिक में आए हैं। और शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी ख़राब है, टीचर लोग का कोई टाइम टेबल भी नहीं रहता है। नहीं तो सर तो समय पर तो आते ही होंगे, थोड़े के सर नहीं, ये कहने मतलब ये होता होगा कि कभी लेट, जरा सा लेट भी हो सकता है। लेकिन हम रह के देखें कि बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिल पाती है। जी, शिक्षा व्यवस्था को भी देख के हम राजनीतिक में हम आए हैं। जी जी, वो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई है जिसके चलते आप राजनीतिक में आने का आपका मकसद यही सब देखने के, समस्या को देखने के इच्छुक से पे आ पाए ना? जी। अच्छा, ये हमको बताए मैम कि अगर आपको जनता आपको आशीर्वाद दे के यानी भारी वोटों से आपको जिताती है, तो आप जनता के बीच रह के आप ऐसा क्या मुद्दा वो बताइए मैम कि आप सबसे पहले वो मुद्दा कहूँ कर रख के आप वो काम करें, ऐसी दो मुद्दा को बताइए मैम क्या आप कीजिएगा? अगर मुझे जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, उनके आशीर्वाद से अगर हम जीत जाते हैं पंचायत समिति में, तो सबसे पहले तो हम ये काम, जो जिनका वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन नहीं मिलता था, उनका दिलवाने का काम करेंगे। दूसरा है, यही मेरा मकसद होगा, शिक्षा व्यवस्था को भी जी, जी, सुधार जी। लाएंगे। शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी ख़राब चल रहा है इसी, और सरकारी योजना अगर मेरे पास आएगी उनका भी निदान करेंगे। सरकारी योजना को जन जन तक पहुंचाएंगे, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। जीत गए तो हम सब समस्याओं को दूर करेंगे। जी जी जी। यह देखिए, अभी हम ईशा न्यूज के साथ डौली कुमारी बातचीत हुई इनसे। इनका कहने का मतलब यह है, मुख्य उद्देश्य है कि राजनीतिक में आने का मतलब यह होता है कि इनकी गांव में समस्या बहुत सारी उत्पन्न है, उन समस्याओं का हल करने के लिए यह पंचायत समिति से खड़ा हो रही है प्रत्याशी।